क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती भोर आया भाग्य लेकर, दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले किरण बन उतरा नयन में, साधना का हो बसेरा गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया। ओम शांति। कहते हैं त्याग त्यप तप किसको, सब करके वो सिखलाया, कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया, बन उदाहरण दिखलाए आज ही के दिन। प्यार का सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखिया, हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदिया, शिव सागर में समाए आज ही के दिन। बच्चों को प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी, ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी, आकारी रूप सजाए आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। कौन से दिन? 18 जनवरी। तो यज्ञ इतिहास की यह क्रांति की नाव तूफानों को पार करते हुए, आंधी और तूफानों के बीच चलते चलते कहाँ पहुंचाई? 69 तक। तो इस नाव ने क्या क्या देखा, इस नाव ने क्या क्या देखा? आंधी, तूफान, अंधेरा, और क्या देखा? विरोध, लहरें, और क्या क्या देखा? मगरमच्छ, चट्टाने, और क्या क्या देखा, और क्या क्या देखा? ऊपर से बिजलियां, बारिश, अंधेरा, तूफान, राक्षस, भूत प्रेत, सब कुछ देखा। पर जो नाविक था, बड़ा शक्तिशाली था, जो खिवैया था, वो बहुत शक्तिशाली था, सबको लेकर बैठा हुआ है।
नाव पुरानी, इस किनारे से उस किनारे, खारा चैनल है। आज कबड्डी का 83। कई बार हम इस दिन के विषय में विस्तार से सुन चुके हैं और सुनते रहते हैं। आज फिर से कुछ बातें रिवाइज करते हैं। तो हमने देखा जनवरी मास चल रहा था। इससे पहले कि हम इस घटना की चर्चा करें, दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये कि जो योगीजन होते हैं या संत महात्मा होते हैं या बहुत पुण्य आत्माएं होते हैं या ईश्वरीय पुरुष या अवतार या बुद्ध या तीर्थंकर, उनको भी बीमारियां क्यों होती है? उन्होंने कौन से पाप किए? उनके कौन से हिसाब किताब है? ये पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये देखा गया है कि जिनमें बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक प्रतिभा होती है, ऐसी कुछ आत्माएं बहुत कम उम्र में शरीर छोड़ देती, क्यों? तो ये दो काम आपके लिए। मम्मा कितनी उम्र थी मम्मा की? 46। और ज्ञान वास्तव में स्पष्ट कब हुआ? बहुत ज़्यादा, जो कि पता चला शिव बाबा बिंदु है, 63, 62। ज्ञान धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। रियल ज्ञान समझकर उस तरह का पुरुषार्थ करने का समय अगर देखा जाए तो 1 या 1.5 साल है बस। तो ये दो प्रश्न है, इसके विषय में थोड़ा सोचना कि जो यहीं पर नहीं, भक्ति में भी विवेकानंद, संत ज्ञानेश्वर, शंकराचार्य 32 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया, शंकराचार्य। और जो अध्यात्म प्रतिभा जिनमें बहुत ज़्यादा होती है, जिन्हें लोग अवतार समझते हैं, महान आत्मा समझते हैं, वो भी बहुत, उनको भी बीमारियाँ होती, उनको भी सफ़र करना पड़ता है। ईसा मसीह, मंसूर, सुकरात, श्री रामकृष्ण, रामकृष्ण को थ्रोट कैंसर हो गया था। रमन महर्षि, थ्रोट कैंसर, उस समय कोई खास ट्रीटमेंट नहीं थी, उनका खाना पीना बंद हो गया था। सबको बहुत दुख होता था उनको देखकर कि उनके गुरु खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, हम कैसे खाएं अगर वो ही नहीं खा रहे। तो विवेकानंद एक बार कहते हैं अपने गुरु से कि आप माँ से कहते क्यों नहीं कि ये दर्द कम करे या फिर खिलाए आपको, क्योंकि खाना बंद हो गया था, यहाँ कैंसर है, गांठ है, उस समय इतनी ट्रीटमेंट नहीं है तो कुछ उतरता नहीं है, पहले सॉलिड और बाद में लिक्विड भी बंद हो गया, कैसे खाए और बहुत पेन। तो उन्होंने कहा कोशिश करता हूँ, पूछता हूँ क्या कहती है माँ। और फिर वो आके बताते हैं माँ ने क्या कहा। कहते माँ ने कहा तुम उनके गुरु हो या वो तुम्हारे गुरु है। स्टॉप लिसनिंग टू दोज फूल्स। क्या उनके इतने सारे कंठ के द्वारा तुम खा नहीं रहे हो कि तुम्हें अलग से खाने के लिए कंठ चाहिए? इन सब के गलों के द्वारा तुम खा नहीं रहे हो? तो कहते मुझे बहुत ही शर्म आ गई फिर तो। 18th January गीता के 18 अध्याय, महाभारत युद्ध कितना दिन चला? 18 दिन। पांडव और कौरवों के मिलके कितनी सेनाएं थी? 18 अक्षयोनी। तो ये देखा गया है, दिखाया, जो सभी अपने अनुभव में सुनाते हैं, लिखते हैं कि उस दिन सुबह से ही बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी बाबा क्लास में आए और योग हुआ। और योग के बाद बाबा ऐसा करते थे, ऐसा कर रहा मतलब अभी क्लास चालू हो गई, तो सब अपनी डायरी या पेन निकाल कर बैठ गए। पर ऐसा करने के बाद फिर क्लास हुई नहीं, बाबा फिर भी बैठे रहे और दृष्टि देते रहे। तो सबको लगा क्लास होगी, परंतु क्लास नहीं हुई। तो यज्ञ इतिहास में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। ऐसा इसके पहले भी हुआ है कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, परंतु उस समय बाबा ने लिख कर मुरली भेजी, जब मुंबई में भी थे तब भी लिख कर भेजी। पर ऐसा नहीं हुआ कि मॉर्निंग में क्लास हुई ही नहीं, वाणी चली ही नहीं। ये फर्स्ट टाइम हुआ कि बाबा आए, बैठे, ऐसा कहा भी, परंतु क्लास नहीं हुई। क्या किया? दृष्टि। हिस्ट्री हॉल में सब लोग बैठे थे तो बाबा की वरदानी दृष्टि जैसे घूम रही थी जो जो उस समय वहां थे उन सब पर, जो इसके पहले भी कहा, बाबा किसी भी बहन को 2 दिन से ज्यादा यहां रुकने
नहीं देते थे। दादी गाम देवी में थी, प्रकाशमणी दादी कुमार का दादी आई थी 14 तारीख को और वापस जाना था 16 को, पर बाबा ने क्या कहा, रुक जाओ। क्यों? क्योंकि 14 तारीख को अर्धकुंभ मेला था इलाहाबाद में और दीदी को वहां भेजा हुआ था संक्रांति, तो बाबा ने कहा दीदी भी नहीं है इसलिए तुम रुक जाओ। दादी कहती है कि पहली बार बाबा ने मुझे रोका, नहीं तो कभी भी रुकने नहीं देते। क्या कहते थे बाबा, तुम सब कौन हो? ज्ञान नदिया हो तुम सब कौन हो, बादल हो तुम सब कौन हो, ज्ञान की बुलबुल हो तुम सब कौन हो, कंठी वाले तोते हो तुम सब कौन हो, बहने बहने अर्थात बहना, बहने अर्थात बहते रहना, और भाई अर्थात तो मॉर्निंग नो मुरली क्लास। क्या हुआ? केवल दृष्टि। कई बार अव्यक्त तो बाप दादा भी हिस्ट्री हॉल में आए और केवल दृष्टि थी, ऐसा भी हुआ है। आए और क्या किया? कुछ भी नहीं बोले, केवल दृष्टि घूमती रही घूमती रही। कई बार डायमंड हॉल में भी देखा होगा कि कितनी देर तक दृष्टि चली। कई बार आए, कई बार 5 मिनट के अंदर मुरली चालू हो जाती, पर कई कई बार 10-10 मिनट तक दृष्टि 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 दृष्टि। आंखों से सबसे ज्यादा वाइब्रेशंस बाहर आते, जो आत्मा सोच रही है वो सब कहाँ से निकलता है? आंखों के द्वारा। इसके लिए आंखों की बहुत ज्यादा संभाल करनी है, क्योंकि आंखों से जाता भी है और आंखों से आता भी है, और जो आया वो इतना जल्दी निकलता भी नहीं है। इसलिए क्या अंदर आ रहा है इस पर बहुत ध्यान रखना है। तो सुबह क्लास नहीं, सुबह का सेशन दृष्टि सेशन, ये बहुत अच्छा योग है दृष्टि का। सेंटर पर कराते हैं बहने आमने सामने बैठकर एक दूसरे को दृष्टि दे, या फिर एक दूसरा प्रयोग है, एक चेयर यहाँ और 4 चेयर सामने, 1, 2, 3, 4 या 5। इस पर एक होगा, बेल बजेगी, फिर ये वाला जो है वो यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, और चेयर वाला इधर। सेकंड सेशन, फिर ये चलेगा, फिर 10 मिनट के बाद में 5 तक 5 5 5 5 मिनट 25 मिनट में योग पूरा, दृष्टि योग। और यहाँ पर कमेंट्री दी जाए उनको, कोई अच्छा सा सम्मान या फिर देवी ओ वाली कमेंट्री, मैं कौन हूँ, दुर्गा हूँ, काली हूँ, सरस्वती हूँ, अंबिका हूँ, जगदम्बा हूँ, सरस्वती वैष्णो देवी हूँ, संतोषी हूँ, सरस्वती हूँ, सब। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है, आपस में बैठ के भी कर सकते हैं। अगर 3-4 लोग हैं तो क्या करो, 2 चेयर सामने एक इधर, 3 लोग हैं तो ये इसको देगा, फिर इसको देगा, फिर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और सॉफ्ट म्यूजिक चालू करके रखो, ठीक है। ये प्रयोग बहुत शक्तिशाली है, या फिर लाइन में भी किया जा सकता है, ऐसी 2 लाइनें इधर 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 आपस में एक दूसरे को दृष्टि देतेंगे, जैसे बेल बजेगी ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, चेंज होते जाएंगे, और वो वाले अपोजिट डायरेक्शंस, ताकि एक के सामने दूसरा दूसरा आए। योग का प्रयोग, तो जब भी छोटा संगठन हो, जब भी एक दिन की छोटी लघु भट्टी हो, तो उसमें खाली बैठ के एक संगठन में योग नहीं रखना है, इस तरह से चेंज कर दो, या फिर एक्टिविटी करो वहां पे, या फिर सारी चेयर हटा दो, हॉल को कर दो और सर्कल बनाओ, सर्कल में योग करो। विदेश में इस तरह के ढेर सारे प्रयोग करते रहते हैं मैंने, कैंडल वाला, अलग 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 छोटे छोटे सर्कल, और फिर दृष्टि, बीच बीच में गीत, बीच बीच में फरिश्ता डांस, फरिश्ता वॉक, और कोई एक्टिविटी। तो ये थी सुबह। उसके बाद में सबको लगा कि ये क्या हो गया आज, पर किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सारे दिन भर की जो दिनचर्या थी वो यथावत चालू थी, वही पत्र लिखना, उत्तर देना, सब कुछ बाबा ने वैसा ही किया जैसे हर दिन करते हैं। और सुबह डॉक्टर आए थे, सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर अरोरा थे, वो बाबा को सुबह देखने आए और देख कर भी गए, ठीक ठाक था जो भी था। और फिर दोपहर में लंच, और बाबा ने रेस्ट भी किया, और फिर शाम का जो समय था उसको बाबा वैसे 8:30 बजे भोजन करते थे,
और उस दिन कहा कि आज क्लास जल्दी होगी। जमुना प्रसाद भाई को कहा, वो हिस्ट्री हॉल था, वहां पर एक घंटी थी, वहां घंटी बजती थी कि जो भी घंटी बजती तो सब लोग क्लास के लिए आ जाते हैं, अभी है तो वहां घंटी थी पहले, तो घंटी बजी और फिर क्लास चालू हुआ। टाइमिंग भाई बहनों के अलग अलग जो वर्शन है उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, कोई कहता है 8:30, कोई कहता है 8, पर जो भी है। हाँ, सुबह भी 45 मिनट्स वो दृष्टि का योग चला, 45 मिनट्स, और शाम की भी जो क्लास चली, शाम को क्लास हुई, और बाबा की जो ऑडियोज है सबने सुनिए, साकार मुरली की ऑडियोज सुनिए कि नहीं सुनिए, नहीं सुनिए तो आज सुनो, उसमें बार बार खांसी है बीच बीच में, ये एक टाइम था जो रात की क्लास चली उसमें एक बार भी खांसी नहीं, एक बार भी खांसी नहीं। 18 जनवरी 1969 की जो लास्ट मुरली है, और उस वाणी में बाबा ने 3-4 चीजें कही थी, कौन कौन सी, सिमिर सिमिर सुख पाओ, जो हमारी निंदा करे वो हमारा मित्र, और परचिंतन पतन की जड़, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी, ये सब मुख्य टॉपिक थे लास्ट मुरली की। सुबह जो था बाबा गुड मॉर्निंग करके निकल गए थे, नो मुरली, तो ये जो इवनिंग का था उसमें ये सब पॉइंट्स थे मुरली में, और सब बैठे थे। हाँ, तो मुरली पूरी हुई लगभग आधा घंटा, 8:30 से 9 बजे तक, कईयों का कहना है 9:45 बजे तक, बट सम वर्शंस डिफर। उस समय समय का शायद इतना किसी को ये नहीं था, और ये जो अनुभव सुना रहे हैं सब लोग, ये कितना साल की बात सुना रहे हैं, बहुत साल की बात। तो क्लास पूरी हुई और बाबा निकले और गेट पे जाके रुके और फिर पीछे टर्न किया और क्या कहा, फिर निराकारी निरंकारी निर्विकारी, जैसे बाप है वैसे बच्चे भी बने, और फिर क्या कहा, बच्चों को विदाई, दादी कहती है बाबा ने कहा विदाई। कई दूसरे वर्षन से जहां पर लिखा है बाबा ने कहा छुट्टी, तो बाबा छुट्टी लेते हैं, बाबा विदाई, और ऐसा आज तक कभी कहा नहीं था। अभी तक क्या कहते थे, गुड नाइट, इस तरह कहते थे, तो यहाँ पहली बार छुट्टी कहा, और बाबा कमरे से बाहर निकले, और बाहर निकले तो विश्व रतन दादा खड़े थे, उनको कहा बच्चू बाबा को जांच करने के लिए डॉक्टर को बुला के लाओ। तो विश्व रतन दादा ने जमुना प्रसाद भाई से कहा, और जमुना प्रसाद भाई अपनी साइकिल लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे, सिविल हॉस्पिटल, डॉक्टर अरोरा, डॉक्टर चाय पी रहे थे डॉक्टर ने कहा आता हूँ चाय पीकर, और बाबा फिर अपने कमरे में चले गए। आप सब ने दादी के अनुभव तो कई बार सुने हुए हैं कि कैसे दादी कहती है कि उस दिन मुझे लगा, वैसे बाबा के कमरे में रात में कभी जाते नहीं थे, परंतु उस दिन बाद दादी को लगा कि बाबा के कमरे में जाऊं, और दादी गई। दादी के साथ 4 बहनें थी, 4 टोटल, एक तो विश्व रतन दादा, दादी संतरी दादी, और 2 कौन थे पता नहीं, शायद वेनुबेन और लच्छुबेन होंगे शायद, वो बताती है ऐसा, पता नहीं कौन थे, पर 4 बहनें थी और कुछ भाई थे। तो ये लोग गए तो बाबा बिस्तर पर लेटे, फिर बैठे और चेस्ट पेन हो रहा था, ब्रेथलेसनेस, थोड़ा सा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हार्ट अटैक, चेस्ट पेन हार्ट अटैक। तो बाबा बेचैन थे, नीचे फिर बैठे, फिर नीचे फिर बैठे। तो विश्व रतन दादा ने कहा जमुना प्रसाद भाई कि डॉक्टर अभी तक आए नहीं है, फोन करो। तो फोन किया, वापस फोन किया, तो डॉक्टर के घर पे कोई फोन उठा नहीं रहा था। तो उनके सामने ये नेवंद सिंह जी, जिन्होंने हमने जिसकी चर्चा की, जिन्होंने पांडव भवन खरीदने में बहुत मदद की थी, और जो 1 साल तक कहाँ जाते रहे, 2 साल तक सिरोही, भाऊ नेवंद सिंह जी सिरोही जाते रहे, आते रहे, और लास्ट में डील हुई थी कितने में, 21,000, पहले तो 18,000 बोला था, बाद में मुकर गए थे, 25,000 बोला था, फिर 21,000, पर सिरोही आना जाने का खर्चा मिला के 3-4 हजार, तो पांडव भवन खरीदा गया कितने में, 25,000 में, वो नेवंद सिंह जी। तो वो जो नेवंद सिंह जी, उनका कमरा, उनका बंगला
हॉस्पिटल के डॉक्टर का जो घर था उसके सामने ही था, तो उनको फोन किया, उनका भी बेटा था दयाल सिंह, तो उसको कहा कि जाकर देखो डॉक्टर निकले कि नहीं वहां से। तो उसने जाके देखा तो डॉक्टर निकल चुके थे अपनी स्कूटर लेकर, और डॉक्टर आए तो दादी बाबा के सामने थी और बाबा को पेन हो, तो बाबा ने अपना लेफ्ट हैंड अपने चेस्ट में रखा, पेन, सीवियर चेस्ट पेन, और दूसरा हाथ से दादी को हाथ पकड़ा और दादी को दृष्टि दे रहे थे। उतने में डॉक्टर आ गए, परंतु बाबा जा चुके थे। और जो विश्वरतन भाऊ थे उन्होंने इंजेक्शन कोरामिन लोड करके रखा था ताकि शायद बाबा को डॉक्टर को जरूरत पड़ी। कोरामिन अभी यूज नहीं किया जाता है, निकितामाइड इंजेक्शन जो होता था पहले, कार्डियक स्टिमुलेंट, ये तब की बातें हैं जब वेंटिलेटर नहीं था, तब इंजेक्शन निकिटामाइड दिया जाता था, कोरामिन कहते थे उनको, अभी तो आउटडेटेड है। तो सीरिंज वगैरह बॉइल करके कोरामिन इंजेक्शन लोड करके रखा था ताकि डॉक्टर आए तो पहले तुरंत दे दे। और डॉक्टर आ गए, दादा बाबा शरीर छोड़ चुके थे, परंतु फिर भी डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, लगा कि शायद सांस अटक गई होगी, और बाबा को लिटा दिया, विश्वरतन दादा संतरी दादी बाबा को लिटा दिया, इंजेक्शन दिया, परंतु बाबा जा चुके थे। डॉक्टर को बड़ा बुरा लगा कि शायद मेरे आने में थोड़ी लेट हो गया चाहे। और वो डॉक्टर अरोरा जो थे, उनके पहले सिविल हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर थी, वो रिटायरमेंट के बाद उसने अपना प्राइवेट क्लिनिक खोला था, उसको भी बुलाया गया फिर डेथ का रिकन्फर्मेशन करने के लिए। फिर वो आई और उसने कन्फर्म किया कि बाबा अब नहीं रहे, आदिदेव का आदि पिता का महाप्रयाण। तो कैसे शरीर छोड़ दिया, देखते देखते दृष्टि देते। और दादी ने बाद में क्या कहा, और जो अव्यक्त बाप दादा ने बाद में कन्फर्म किया अव्यक्त मुरलियों में, कि मुझे लगा बाबा अपनी सारी शक्तियां मुझे दे रहे हैं, बाबा अपनी सारी शक्तियां मुझे दे रहे। ये वैसा ही दृश्य है जो श्री रामकृष्ण और विवेकानंद का है, वो भी जा रहे हैं, विवेकानंद सामने हैं और वो उसको दृष्टि दे रहे हैं, और वो कहते हैं कि अब ये मेरा जो कार्य है तुमको करना है, और वो जो बाकी लोग हैं उनको तुमको संभालना है, किसी को भी घर जाने मत देना तुमको उनकी संभाल करनी है। 1886 16 अगस्त वो डेट। तो वो जैसे सारी शक्तियां वो दे गए उनको, जो लेटर ऑन कन्फर्म बाय विवेकानंद उनके अमेरिकन स्पीचेस में, कि मैं वैसे चलता हूं तो मुझे इनके जाने के एक हफ्ते के बाद मुझे एक आकृति दिखी, एक प्रकाश की, और उस आकृति ने कहा कि सारी शक्तियां तुम्हें दे गई, दे चुका हूं मैं, अब इन शक्तियों का प्रयोग करो और विश्व में ये संदेश फैलाओ। ये सीन भी लगभग वैसा ही था। तो यहां तो उससे भी ज्यादा पावरफुल, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा अपनी सारी शक्तियां दादी को सौंप दी, और दादी ने कहा बाबा का हाथ एकदम से क्या होगा, हल्का हो गया, जैसे कि आत्मा चली गई। एक दो मिनट तक दृष्टि देते रहे बाबा, और दृष्टि देते देते ही शरीर छोड़ दिया, और फिर बाबा को लिटा दिया गया, और फिर दादी ने सब जगह खबर फैल गई कि बाबा गए, और दादी फिर सबको फोन करने लगी कि बाबा अव्यक्त हो गए, बाबा नहीं रहे, ड्रामा की भावी, रोना नहीं है, जो आना चाहते हैं आ जाए। और वो समय कौन सा था, विंटर, बहुत ठंड, और ट्रेनिंग सेंटर जो अभी है उसका नीचे का सेक्शन बन गया था, पर ऊपर की दीवारें चढ़ी गई थी, छत अभी डाला नहीं गया था, तो नीचे और रहने के लिए जगह नहीं थी, 1000 से भी ज्यादा लोग आ गए और रहने के लिए कुछ नहीं, और ठंडी बहुत ज्यादा, कैसे रहे होंगे पता नहीं, परंतु सुबह आए और शाम को चले गए बहुत सारे लोग, क्योंकि रहने की व्यवस्था नहीं थी और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। तो तंत्री दादी और निर्मल शांता दादी उस समय कहाँ थे, कोलकाता, और उनको भी मुंबई से खबर मिली, तो वो भी फ्लाइट से आए, और रात को पहुंचते पहुंचते 1 बज गया। संतरी दादी के तन में बाबा ने प्रवेश किया, और वो सारा जो कारोबार था सजाना वगैरह संतरी दादी ने किया,
प्रकाश मेरी दादी तो, बाकी दादियां तो थी परंतु वो भाग। और 3 दिन लगातार बाबा किसके अंदर प्रवेश किया? संतरी दादी की। कौन कौन से 3 दिन? 18 को बाबा गए रात को, टाइमिंग 9:30, कई कहते हैं 9, कई कहते हैं 9 और 9:30 के बीच, 4 टाइम 18th January। और जैसे कि बाबा ने ये टाइम जैसे खुद ही चुना है, क्योंकि कुछ समय पहले बाबा ने प्रकाशमणि दादी से पूछा था, यदि बाबा नहीं रहे तो बाबा की गद्दी लोगे? तो दादी ने कहा था हाँ जी बाबा। ऐसे ही कहा था, पर दादी को ये नहीं पता था कि बाबा ऐसे रियल में कह रहे हैं, मतलब जैसे कि आभास हो गया था। तो ये तो चीज देखी गई है कि बाबा की वो जो शक्ति थी आगे क्या होने वाला है, वो बहुत ज्यादा डेवलप हो गई थी, सिद्धि कहते हैं इसको। और ऐसा योगियों के जीवन में देखा गया कि कब जाने वाले हैं, उनको पहले ही पता चल जाता था कि आज मैं जाऊंगा। और ऐसा हमने एक दूसरी दादी भी है, कौन सी, जिसने मुंबई में शरीर छोड़ा था, कौन सी दादी? पुष्प शांता दादी, HN हॉस्पिटल। पौने दादी एडमिट थी और 7:45 क्या कहा अपनी ब्राह्मणी को, सब डॉक्टर्स को बुला लो, मैं 8:30 शरीर छोड़ने वाली हूँ। दादी ने वो सबको बुलाने गई, नर्सेस को बुलाने गई, सबको बुलाने गई, सब लोग जमा हो गए। 8:45 को तो बोला, 8:10 तक सब लोग जमा हो गए, 8:15 को गीत बजाना चालू हो गया, अब घर जाना है। और बराबर 8:30 दादी ने शरीर छोड़ दिया, सब लोग अवाक, ये क्या है? ऐसा होता है क्या? इच्छा मृत्यु, इसको कहते हैं इच्छा मृत्यु। पर हाँ, इसकी प्रैक्टिस करो तो ये भी हो सकता है, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग है। अगर कोई ये मान ले कि मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, तो बराबर उसी टाइम पर जाएगा। स्थान भी जितनी गहरी कंडीशनिंग होगी, ट्रेनिंग होगी, ये काम हो जाएगा। पर गहरा होना चाहिए, झूठा झूठा नहीं, और विश्वास के साथ होना चाहिए। नहीं तो हम जा रहे जा रहे जा रहे। तो बाबा ने शरीर छोड़ दिया, और ये भी कहा गया कि वो जो शरीर था और जो लास्ट मुरली चली थी, शरीर जैसे चमक रहा था, बाबा का शरीर चमक रहा था जैसे, क्योंकि आत्मा अगर शुद्ध होती जाए बहुत हाई लेवल तक, तो क्या शरीर अशुद्ध रह सकता है? नहीं, वो शरीर में भी चेंजेस होने लगते हैं अपने आप, शरीर भी अंदर से प्यूरिफाई होने लगता है। स्वामी योगानंद थे, उनका शरीर 21 दिन तक अनकरप्टेड स्टेज में रहा था। कई सारे क्रिश्चियन सेंट्स, उनका शरीर वैसे के वैसे ही रहा था। तो ऐसा देखा गया है, जिसको चमत्कार जैसा ही कहेंगे। तो बाबा को पहले दिन बाबा का शरीर उस रात वहीं रखा गया, दूसरे दिन शरीर को हिस्ट्री हॉल में लाया गया सबके लिए दर्शन के लिए। और दीदी उस समय, हमने कहा, इलाहाबाद में थी, तो दीदी को भी बताया गया। एक भाई इलाहाबाद जा रहा था, वो संदेश लेके गया, फिर दीदी वहां से दिल्ली और दिल्ली से यहाँ पहुंची, तब 20 तारीख थी। और दीदी हिस्ट्री हॉल में गई और कितना देर तक खड़ी थी, सब लोग सोच रहे थे पता नहीं क्या सोच रही होगी दीदी उस समय, कई देर बहुत समय तक दीदी खड़ी रही जैसे अशरीरी हो गई, और बाबा को देखती रही। और कहा कि संतरी दादी के तन में पहली मुरली चली, कब? 19th January 1969, शाम का समय था, 7:00 हिस्ट्री हॉल में बैठ के सभी योग कर रहे थे, और अचानक दीदी दादी को खींच हुई, दादी संदली पर जाकर बैठ गई और शिव बाबा की प्रवेशता हुई। 45 मिनट्स तक पहली मुरली चली। तो यज्ञ के इतिहास की फर्स्ट अव्यक्त वाणी थ्रू संतरी दादी, 19th, 20th, and 21, तीनों दिन। तो सब ने संतरी दादी से कहा, अब ये पाठ आप स्वीकार करो। कौन सा पाठ? बाबा की पधरामणी का, कि बाबा आपके तन में आए। यज्ञ इतिहास में अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा त्याग है। कौन सा? दादी ने क्या कहा? मना कर दिया। क्यों? लौकिक में कौन है दादी? बाबा की कौन है? बहू है।
पुत्र बहु है ना बाबा की। बाबा के कितने भाई थे? दो। बड़ा भाई तुलसीदास, नवलराज और लेखराज। तीन भाई दो बहनें, एक बहन थी ना हक्की दादी जिसको कहते थे। तो बड़े भाई का बेटा जो था कौन? भाऊ। भाऊ की युगल। भाऊ ने शरीर छोड़ा था 68 में और ये भाऊ की युगल। तो दादी का पहला उत्तर था नहीं। क्यों? क्यों? एक कारण तो ये भी था कि बाबा को कोई ये ना कहे कि बाबा ने किसको चुना, अपने ही घर के रिश्तेदार को चुन लिया। पहली तो ये बात। और दूसरा, क्योंकि संदेशी ये जो थी ये कौन थी? बाबा की प्राइवेट जैसे संदेशी। तो उसने कहा मेरे पेट में बाबा के बहुत सारे राज है, अगर मेरे द्वारे आके कोई संदेश आता है तो लोग समझेंगे इसको तो पहले ही पता था, तो मानेंगे नहीं शायद। तो ये सब देखते हुए संतरी दादी ने क्या कहा? गुलजार दादी। तो वो जो पार्ट गुलजार दादी के द्वारा चला इतने दिन, रमेश भाई कहते हैं अगर वो पार्ट संतरी दादी के द्वारा चलता तो हमारे, हम जो रिस्पेक्ट गुलजार दादी के लिए रखते वही रिस्पेक्ट हमारा संतरी दादी के लिए होता। परंतु ये उस दादी का त्याग ही कहेंगे कि इतना बड़ा पार्ट भगवान के प्रवेशता का मना कर दिया। तो बाबा की बॉडी को हिस्ट्री, पहले तो कमरे में ही रखा उस दिन, और फिर कहाँ लेके आए? हिस्ट्री हॉल में। और संदेश आया संतरी दादी के द्वारा शाम को 21 तारीख को। क्या संदेश था? कि बाबा आराम कर रहे हैं अभी दो दिन शांति से रुको, 21 को करना अंतिम संस्कार, 21 को संस्कार करना। और क्या कहा बाबा? क्या कहा? कि मैंने केवल कमरा बदला है या फिर मैं सबके साथ हूँ, साथ था, साथ हूँ, साथ रहूँगा, बाबा कभी छोड़ के नहीं जाएगा वगैरह वगैरह। क्योंकि जिसने भी ये खबर सुनी वो सभी शॉक में चले गए, क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि जैसे बाबा ही सब कुछ है, निराकार साकार ही निराकार है, बाबा गया मतलब उसके बाद में क्या, अभी द एंड। किसने कहा है कि मुझे ऐसा लगा पूरी धरती हिलने लगी है, सबने अलग अलग अनुभव सुनाए हैं अपने। मुझे लगा अब जैसे आगे क्या होगा, किसी को लगा कि मैं अभी शरीर छोड़ दूंगा, पर छोड़ा नहीं चीलू बहन भी अपना अनुभव सुनाती है कि उस दिन शाम को 8 बजे सेंटर गई, तब तक सब ठीक था, और 8 बजे सेंटर से घर चली गई, फिर कुछ पता ही नहीं। फिर दूसरे दिन जब सेंटर पर गए तो कहा इतना सन्नाटा, एक दो भाई केवल, पूछा क्या हुआ तो पता चला बाबा तो कल रात को शरीर छोड़ दिया। तो एकदम से शॉक, सबने यही कहा बाबा बाबा ये हो ही नहीं सकता, बाबा कैसे जा सकता है, क्योंकि वादा क्या था साथ में जाएंगे। तो अनबिलीवेबल ये इवेंट था। तो जैसे एक दुख की लहर सी एक सन्नाटा सा छा गया था पूरे मधुबन में। तो 3 दिन बाबा संतरी दादी के तन में आए, और फिर बाद में बाबा की ज्वार थी सजी गई, सारे फूल वगैरह चढ़ाए गए, और 2 टेनिस कोर्ट थे। पांडव भवन पोखरान हाउस था, तो 1 टेनिस कोर्ट वो था जहां पर अभी हिस्ट्री हॉल है और बाकी जो घर बिल्डिंग बने हुए, दूसरा टेनिस कोर्ट था ये जहां अभी शांति स्तंभ है। तो ये भी देखो कि जो ट्रेनिंग सेंटर बना, तब बाबा से पूछा जाए बाबा यहाँ क्या करे, ये तो खाली जगह, यहाँ कुछ करते है, बाबा ने कहा इस जगह को खाली छोड़ दो बाबा ने क्या कहा था, इस जगह को खाली छोड़ दो। अभी जहां हॉस्पिटल बना हुआ है उसके सामने एक पार्क है, उसका नाम है शैतान सिंह पार्क। शैतान सिंह जो थे वो बहुत बड़े मिलिट्री के ऑफिसर थे आर्मी में, जिन्होंने शरीर बलिदान दिया, मतलब शहीद हुए थे वो चाइना युद्ध में 62 में। तो बाबा बच्चों के पास वहां जाते थे शैतान सिंह पार्क में। तो वहां जो थी हॉस्पिटल नहीं था, जमीन थी पूरी। तो बाबा को एक बार किसी ने कहा बाबा ये जमीन क्या है, बाबा ने कहा अपनी जमीन है ये भी कब का हुआ है 62 के आसपास, 62 के बाद में, जब शैतान सिंह पार्क, शैतान सिंह जी ने तो शहीद हो गए, उसके बाद वो पार्क बना, उनका नाम दिया गया, मे बी 64 के और 69 के बीच में। तो बाबा से कहा था ये बाबा ये जमीन ऐसी पड़ी हुई, बाबा ने कहा ये अपनी हो जाएगी, ये अपनी जमीन है, ऐसा कहा था तब तो ये कोर्ट
टेनिस कोर्ट, दो टेनिस कोर्ट थे पोकरण हाउस में, यहाँ टेनिस खेला करते थे। तो पहला टेनिस कोर्ट तो यूज हो गया था हिस्ट्री हॉल बनने में, या जिसको उस समय छोटा हॉल कहते थे। और ये जो था उसके लिए बाबा ने क्या कहा, इसको छोड़ दो, बाद में काम आएगा इसको छोड़ दो। और यहाँ पे ट्रेनिंग सेक्शन बना, बनना चालू हो गया था, जो कहा कि नीचे का बन गया था, ऊपर की दीवारें डली थी, छत अभी डलना बाकी था। और इधर इंद्रप्रस्थ, वो नाम बाबा ने दिया हुआ है इंद्रप्रस्थ, और एक हवाई महल, हवाई महल एरोप्लेन। तो बाबा की फिर सजाया गया फूलों से, और फिर परमिशन निकाली गई एसपी से सिरोही के, किस लिए, अंतिम संस्कार यहाँ करने का, नहीं तो ऐसे अलाउड थोड़ी होता है, कोई चाहे कितना भी बड़ा गुरु हो कहीं पे भी नहीं कर सकते, परमिशन चाहिए। तो सिरोही में भाऊ, अरे भाऊ तो नहीं, बाकी लोग जगदीश भाई वगैरह ये सब गए। जगदीश भाई ने संतरी दादी से पूछा था कि बाबा से पूछ के आओ क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है सारी सारा कारोबार। तो ऊपर से डायरेक्शन आता गया, उस अनुसार सब कुछ होता गया। तो वहां से परमिशन निकाली और फिर यहाँ पर ये जगह नियुक्ति की गई, और बाबा की जो अर्थी थी उसको फिर यहाँ से होते हुए पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से होते हुए मार्केट, मार्केट से होते हुए नक्की लेक, और नक्की लेक से होते हुए वापस पांडव भवन लेके आए। और अंतिम संस्कार कब हुआ, 21 तारीख को। और जैसे कहा कि बहुत सारे भाई बहन आ गए, और रहने के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं थी, फिर भी सब लोगों ने एडजस्ट करा, और ठंडी बहुत ज़्यादा थी। तो ये जो दिन था यज्ञ इतिहास में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिवस था। और यहाँ से और एक भाग चालू हुआ, हमने यज्ञ के इतिहास को 5 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला 36 to 50, ये था फाउंडेशन ईयर्स, स्थापना। उसके बाद में 50 से 59, ये था ट्रांजिशन ईयर। उसके बाद में 60 से 69, ये था कंसोलिडेशन ईयर, कंसोलिडेशन अर्थात मजबूत, मजबूती हो रही है यहाँ पर। और उसके बाद में है 70 से लेकर तो 2007 तक, इसको कहा गया है एक्सपांशन ईयर्स, एक्सपांशन अर्थात विस्तार। और 2007 के बाद दादी प्रकाशमणि जाने के बाद का जो समय है उसको कहते हैं द शिफ्ट। यहाँ बहुत सारी चीजें बदल गई, जो यहाँ जो कुछ था यहाँ से बहुत सारी चीजें बदल के अभी हम उस पीरियड में चल रहे हैं, द शिफ्ट में। तो ये यहाँ एक युग खत्म हुआ 69 में, यहाँ से अभी एक नया पार्ट चालू होने वाला है, जो हमने कहा ज्ञान धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। ठीक है, ये तो ज्ञान स्पष्ट हो गया था, पर अव्यक्त ब्रह्मा का जो पार्ट है उसका ज्ञान 69 के बाद से स्पष्ट होना चालू हुआ। जो फर्स्ट अव्यक्त मुरली चली, सबके मन में इतने सारे प्रश्न थे। और एक बात, उस मुरली चलने से भी पहले शिव बाबा दादी संतरी के तन में आकर अलग अलग दादियों से के साथ बैठे कारोबार समझाने के लिए कि अब कैसे चलेगा, वो हम देखेंगे एक दिन पूरा। सबने पढ़ी है फिर भी यज्ञ की जो ऑफिशियल फर्स्ट अव्यक्त मुरली है 21 जनवरी 1969 की, उसमें सारे डायरेक्शंस दिए गए हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे चलेगा, कैसा कुछ होगा, सब कुछ, ऑल डायरेक्शंस। तो उसको हम देखेंगे। तो ये था महाप्रयाण। इससे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या क्या है ये आप बताएंगे। अपनी तैयारी चालू कर दो अभी से। बाबा ने क्या कर दिया था, अपनी तैयारी चालू कर दी थी, किस बात की, समेटने की तैयारी का चालू कर दी थी, स्थिति को अव्यक्त बनाने की तैयारी चालू कर दी थी। पूछते थे तो जैसे बाबा सुन ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे, परंतु फिर भी मौन मौन, अव्यक्त अव्यक्त। तो वो तैयारी पहले से जैसे चालू हो गई थी। और दूसरी बात, हम कैसा मरे इसका डिसीजन हम खुद ले सकते हैं, ये बहुत हायर साधना है। जैसे संडे की मुरली में था, हर एक के शरीर का हिसाब किताब अपना है, किसी को पता नहीं है, परंतु आत्मा जैसे संपूर्णता की ओर जाती है, उसे आभास होने लगता है कि अभी मैं जाने वाला हूं। परंतु
ये भी नहीं कि बस जाने वाला हूँ। जाने से पहले बहुत बड़े बड़े काम करके जाने हैं, यहाँ पर खाली नहीं जाना है, भर के जाना है। जैसे कई बार भी सुना है, एक माता मॉरिशस से आई थी बहुत पहले 2011 में मधुबन में, और पांडव भवन में रुकी और अचानक तबीयत खराब हो गई, अचानक हॉस्पिटल में लेके आए, क्या हुआ कुछ समझ ही नहीं आया, और वहीं पे तुरंत शरीर भी छोड़ दिया। फिर फॉरेनर्स जब भारत में शरीर छोड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रोसीजर, डेड बॉडी को वहाँ शिफ्ट करना, ये वो क्या कुछ करना पड़ता है। तो फिर उसके रिलेटिव, उसके बच्चे आए, फिर उन्होंने कहा था कि माताजी जब मधुबन जा रही थी तो ये कहकर गई थी कि मधुबन जा रही हूँ, वापस नहीं आऊँगी। तो संकल्प ही करके आई थी कि मैं जाने वाली हूँ, हमारी मृत्यु कैसे हो। पहले तो अंदर ये संकल्प रखना है कि मुझे किसी की भी सेवा नहीं लेनी, जाऊँ तो ऐसा चला जाऊँ कि बैठे बैठे मक्खन से बाल, चुपचाप, बाबा कैसे चले गए, मम्मा कैसे चली गई, चुपचाप, संतरी दादी कैसे चली गई, 3-4 के बीच सुबह सुबह, और समय भी कितना अच्छा चुना संतरी दादी का, था अमृत वेला, चुपचाप, जितना हो सके लाइन, ट्यूब, ड्रेन, मशीन, ये वो, इधर इंजेक्शन, उधर इंजेक्शन, डॉक्टर क्या करते, खींचते नीचे, वो आत्मा कहती मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, वो कहते नहीं जाने देंगे, चालू करो। नहीं, पर ऐसा होता भी है कि कई लोग वापस भी आ जाते हैं, कई सारे पेशेंट्स हमने देखे, कई सारे, एक पेशेंट तो अभी 6 महीने के अंदर की घटना है, यहीं के लोकल है, आए हॉस्पिटल में, मुझे दिखाया, जैसे बाहर प्रवेश किया कोलैप्स हो गए, ओपीडी के बाहर ही मिर्गी का दौरा आया, कोलैप्स हो गए, सीधा आईसीयू में लेके गए, सब चालू था, सीपीआर चालू था, सब कुछ, चेस्ट कॉम्प्रेशन, और बीच में एकदम स्ट्रेट लाइन, रिलेटिव्स को बोल दिया कि चांसेस नहीं है, पर अंदर आए थोड़ी देर के बाद वापस रिदम आ गया। और वैसे यहाँ पर एक बिंदु माता थी, मधुबन निवासी बिंदु माता, पता है ना, डायलिसिस के लिए आती थी, ए डॉक्टर, जोर से चिल्लाती थी। तो वो बिंदु माता भी कार्डियक अरेस्ट हो गया, पूरा जैसे स्ट्रेट लाइन गई, कुछ भी नहीं रहा, और अचानक थोड़ी देर के बाद रिदम चालू हो गया, और वो 2 दिन और रही। तो ऐसे होता है, बहुत बार होता है, कई लोगों ने अपने अनुभव लिखे डेथ एक्सपीरियंसेस के, कई लोगों को इस अवस्था में स्वर्ग दिखाया, एक व्यक्ति ने अपनी पूरी किताब लिखी है कि उसने देखा, ऊपर से देख रहा है, नीचे डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वो ऊपर से देख रहा है सब कुछ। किसी ने लिखा है मुझे स्वर्ग दिखाई दिया, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया, और स्वर्ग में क्या क्या होता है बाद में अपनी किताब में लिखा, एक सर्जन का। तो क्या करना है, अपनी तैयारी, अशरीरीपन का बार बार अधिक से अधिक अनुभव, और हमारी डेथ कैसी हो, पेनलेस, तड़प तड़प के नहीं, दुखी हो के नहीं। इसलिए कई रिश्तेदार बहुत सेंसिबल होते हैं, जब पता है पेशेंट है, कैंसर है, फैल गया है, साइन करके देते, कुछ नहीं करना है, शांति से जाने दो। यहाँ पे डॉक्टर ज्ञान प्रकाश थे, बहुत पुराने, बाबा के जमाने के सबसे पुराने डॉक्टर, पीछे रहते थे, 50s में इधर आए थे, तो वो भी हॉस्पिटल में एडमिट थे, फिर लास्ट में अब बचने की उम्मीद नहीं थी, तो उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने कहा हम घर लेके जाएंगे, घर लेके गए और घर पर शांति से शरीर छोड़ा। पर कई लोग कहते हैं नहीं, सब कुछ करो, करते रहो सब कुछ, जो करना है सब करो, तो वो बड़ा डेलिकेट डिसीजन है। तो बाबा ने बड़ी शांति से शरीर का त्याग किया, और ये दिन बड़ा विशेष दिन है हम सब के लिए, इसलिए इस दिन का क्या क्या नाम है, अव्यक्त दिवस, ताजपोशी का दिन, और स्मृति दिवस, समर्थि दिवस, संपूर्ण बनने का दिवस, संपन्न दिवस, और प्रत्यक्षता का दिवस। और इसको किस रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड पीस, क्या यूनिवर्सल पीस डे, और समर्थि डे। तो तैयारी अभी से चालू करती नहीं, ठीक है।
क्योंकि कोई भी समय हमारा अंतिम समय हो सकता है, कोई भी, कोई बता ही नहीं सकता, कोई गारंटी नहीं है जीवन की। अभी अभी ठीक है, शाम को कोई कह सकता है मैं आपसे मिलूंगा, भरोसा भरोसा नहीं है। कहते थे त्याग तब किसको, सब करके वो सिखलाया, कहते ही नहीं थे बाबा सब करके भी दिखलाया, बन उदाहरण दिखलाए आज ही के दिन, प्यार का सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखिया, हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदिया। ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं होगा को जो 18 जनवरी के दिन पांडव भवन में है, शांति स्तंभ पर खड़ा है और उसकी आंखों से आंसू ना आए अपने आप और अचानक। शिव सागर में समाए आज ही के दिन, बच्चों को प्रत्यक्ष करके सब दे दी जिम्मेवारी, ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी, आकारी रूप सजाए आज ही के दिन। दादी के लिए बाबा ने अव्यक्त मूल्यों में कहा कि बाप दादा ने दादी को अपनी शक्तियां विल कर दी। जो हुआ सीन उसको उसका कन्फर्मेशन कहाँ हुआ, अव्यक्त वाणियों में। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में समाए थे आज ही के दिन। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके अर्पण, संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा समाए थे आज ही के दिन।
सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां, हम सबको पावन करके वह चली नयन से नदियां। शिव सागर में समाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी, ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी। बच्चों को प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी, ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी। आकारी रूप सजाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा प्राणों को करके आए थे आए।